खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। 8 माह तक नाबालिग से जाती, आरोपियों ने नशे की गोलियां दी, इंजेक्शन लगाए, सिगरेट से दागा। तस्वीर में नजर आ रही है इस नाबालिग ने 8 महीने तक इतनी यातनाएं झेली हैं कि पढ़कर ही किसी की रूह कांपता है। 17 साल की इस नाबालिग के साथ 8 माह के दौरान कई बार जाती गई, नशे की गोलियां और इंजेक्शन दिए गए, सिगरेट से दागा गया, दांतों से काटा गया। बालिका का कहना है कि उसे इतने ज्यादा इंजेक्शन और नशे की गोलियां दी गई कि उसे याद ही नहीं है कि उसके साथ कितनी बार जाती की गई। 6ठी पास पीड़िता ने बताया कि 28 जनवरी को उसकी परिचित महिला ज्योति और उसकी माँ एक दिन उसे बाजार जाने की बात कहकर अपने साथ ले गई। वह उसे दिल्ली निवासी प्रदीप भटनागर के पास ले गई। प्रदीप ने उसके साथ जाती की। दूसरे दिन उसको कार में बैठा कर कर्नाटक निवासी आईबी में काम करने वाले सैम और संपत कुमार के पास झुंझुनू ले गए। संपत ने उसके साथ जाती की और नशे का इंजेक्शन लगाकर उसको कमरे में बंद कर दिया। जब उसे होश आया तो 2-3 लोग और आए हुए थे, इनमें एक फौजी भी था। आरोपियों ने उसके साथ जाती की। विरोध जताने पर ज्योति ने उसके साथ मारपीट की। संपत ने उसके इंजेक्शन लगा दिया। थोड़े दिनों बाद आरोपियों ने उसे सिगरेट से दागना शुरू कर दिया। पीड़िता ने भागने का प्रयास किया तो ज्योति के धर्म भाई श्री गंगानगर निवासी गौरव ने भी उससे जाती। 8 माह के दौरान वह लोग उसे डरा धमका कर कभी जयपुर, कभी शिमला और कभी झुंझुनू ले जाते। इसके बाद कई बार उसके साथ जाती की गई। शरीर पर इंजेक्शन और सिगरेट के दागने के निशान देखकर आज भी वह सहम जाती है। आरोपी पक्ष पीड़िता और उसके घर वालों पर राजीनामे का दबाव बना रहा है। अम्मा बोली 8 महीने तक झूठे दिलासे देती रही आरोपी। पीड़िता की मां ने बताया कि उसकी बेटी को ले जाने के बाद उसने ज्योति और उसकी मां को कई बार उसकी बेटी से मिलाने की बात कही, परंतु वे लोग हर बार यही कहकर टरकाते रहे कि कोरोना चल रहा है, वह नहीं आ सकती, उसकी बेटी जहां भी है खुश है। इसके बाद उसने पुलिस में रिपोर्ट दी। सितंबर में जब ज्योति के जन्मदिन पर बालिका को सीकर लाया गया तो पुलिस ने बालिका को होटल से दस्तयाब कर लिया था। इस दौरान ज्योति पकड़ में आई थी। मामले में आरोपी गौरव, प्रदीप व संपत को भी गिरफ्तार कर लिया गया। शिवसिंहपुरा जेल के जेलर और कार्यवाहक उप अधीक्षक सौरभ स्वामी के अनुसार इनमें महिला आरोपी ज्योति को जयपुर जेल में शिफ्ट किया है, जबकि गौरव, प्रदीप और संपत कुमार न्यायिक अभिरक्षा में है। प्रकरण में महिला सहित 4 लोगों को गिरफ्तार करने के बाद भी पुलिस मामले को दबा रही है। बड़े अधिकारियों ने भी चुप्पी साध रखी है, जबकि प्रकरण की जांच अधिकारी गिरफ्तार 4 आरोपियों का कोर्ट में चालान पेश करने की तैयारी में है। मामले में ASP डॉक्टर देवेंद्र शर्मा का कहना है कि रिपोर्ट दर्ज होने के बाद मामले में गिरफ्तारी हो गई थी, कोर्ट में चालान पेश करने के बारे में जानकारी नहीं मिली। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ लाइव राजस्थान, जयपुर।